तो मेरी पहचान था कैसी है, हो पची होगी और अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि भाई आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस। और भाई पिछली वीडियो को हम लोग एक बार रिकैप करने वाले हैं। फिलहाल तुम लोग सबसे पहले तुम लोग एक देख सकते हो अपने पीछे एक एवेंजर्स टावर है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे कसम से, और उसका जो एवेंजर्स का जो लोगो चमक रहा है, आया है। खैर हम लोग टॉपिक से भटकते नहीं है। सबसे पहले तो अभी हम लोगों ने जब गेम स्टार्ट किया था तो कुछ यहाँ पे देखो तुम लोगों को दिख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोगों को बहुत बंदों को इस बिल्डिंग में लपेटा है और थे कुछ छोटे मोटे यू नो बदमाश। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फीन को बता दिया था कि माइल्स ही स्पाइडरमैन है यहाँ का। फीन ने भी शुरू में ही वीडियो को बता दिया था कि मतलब वो टिंकरर है और पापा गैन के लिए काम करती है, तो जिससे हम लोगों को कुछ उतना कुछ खास तो दिक्कत नहीं हुआ। और जैसा कि अंकल एरन ने बोला था कि तुम फीन से फाइट से अच्छा है कि उससे दोस्ती करो और उसके साथ ज्वाइन करो, उसके बारे में जानो, इससे क्या होगा कि अंडरग्राउंड के बारे में अपने को और भी सारी चीजें पता चलेंगी और उनसे फाइट लेने में ईजी होगा। अंकल एरन ने अभी हम लोगों को सबसे पहले तो बुलाया है, बोला है कि आके हमसे मिलो, तो वही जा रहे हैं मिलने ब्रो। फिलहाल अगर उन लोगों को अगर लपेटना नहीं होता तो अब तक तो रास्ते में तुम लोगों को हर चीजें समझा चुके हो, तो बट स्टिल यार क्या दिक्कत है, कुछ बीच में कचरा पानी साफ करते रहना चाहिए। आगे हम लोग अंकल एरन के पास जहाँ पे उन्होंने बुलाया था और देखते हैं कि उन्होंने ऐसे फिर क्यों बुलाया है। अच्छा हाँ, तुम लोगों को बताओ कि अंकल एरन ही प्रॉलर है और ये माइल्स को पता है और उन्हें भी पता है कि माइल्स स्पाइडरमैन है। सो यहाँ पे तो अपना सिचुएशन बहुत प्यारा है। रॉक्सॉन एक सिक्योरिटी है जो पता नहीं वो भी स्पाइडरमैन को मारने के चक्कर में ही है। अच्छा लग रहा प्रॉब्लम के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। पेन ड्राइव सबसे पहले तो अंकल एरन ने हमारे लिए कुछ होलोग्राम्स लगाए हैं जो हमारी मदद करेंगे, सो आ जाओ उसको देख लेते हैं। भाई ग्रीन ग्रीन कलर लेकिन एक अलग ही चमकता है, नहीं बहुत प्यारा। सैंपल साउंड ओके मिल गया ब्रो। अभी हम लोगों को एक साउंड मैच ढूंढना था। सबसे पहले तो हम लोगों को एरन ने कहा था कि हम लोगों ने एक होलोग्राम लगाया जिसपे कुछ साउंड है, उसपे हम लोगों को साउंड को डिटेक्ट करना था कि वो साउंड आ कहाँ से रहा है। अपने पास एक सैंपल ऑडियो था और उसको डिटेक्ट करना था कि उस पूरे रेंज में वो आवाज आ कहाँ से रहा है। और फिलहाल प्रॉब्लम ने अभी किसी को मना किया किसी चीज। हाँ हम लोगों को पता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है, बट देखते हैं कब होता है। एक मिनट प्रॉलर ने सौदा कर दिया। भाई सौदा नहीं, बट जहां तक अभी तक समझ में आया कि प्रॉलर ने एक चर्च पे बोला है कि टिंकरर तुम्हारा होगा वहां पे, बट माइल्स को छोड़ देना, माइल्स को कुछ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत दिक्कत आने वाला है क्योंकि अब माइल्स तो बच जाएगा बट फीन को बचाने के चक्कर में माइल्स को भिड़ना पड़ेगा। नहीं यार आओ जब तक देख लेते हैं अगर हम लोग सूट को अपग्रेड कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। अभी सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को फीन से मिलना है, बट देखते हैं फीन से हम लोग कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत एक हार्ड टास्क होने वाला है, क्योंकि फीन हम लोगों से मिलना तो आई थिंक अब तो नहीं चाहती। मतलब उसने लास्ट वीडियो में बोला था ना यार कि एक गुड रीज़न बताओ तुम्हें अभी ख़त्म नहीं करने का, तब माइल्स ने अपना मास्क हटा दिया था जिससे वो माइल्स को उस टाइम चाहती तो मार सकती थी, बट उसने मारा नहीं। ह्यूमैनिटी इज़ अलाइव। यही चर्च की बात हो रही थी फिलहाल ब्रो, यहीं पे भी अभी प्रॉलर ने कहा था कि ट्रिनिटी चर्च पे वो लोग मिलेंगे और तुम लोगों को टिंकरर तुम्हारा होगा बट माइल्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम लोग तैयार रहो भाई, अभी बहुत गंदी फाइट होने वाली है, बहुत गंदी। चलो हम लोग ट्रिनिटी चर्च पे तो पहुंच गए और यहाँ पे फीन हम लोगों से मिलने आने वाली है। माइल्स नहीं बुलाया, गुस्सा तो है भाई। That was a hell of a way to tell me you're Spider-Man. What if I'd killed you? I let you in the underground. बात तो सही है भाई, फीन पहली बार में ही तैयार हो गई थी इसको अंडरग्राउंड में ले जाने के लिए, अंडरग्राउंड से मिलाने के लिए, और फीन रॉक्सन को बीट करना चाहते हैं, हराना चाहती है। अभी फिलहाल माइल से इसकी दुश्मनी नहीं है, फिलहाल अच्छा चल रहा है यार। आई मीन फीन दोस्त है अभी फिलहाल और ये प्रॉलर भी अभी अपना दोस्त है, बट यहाँ पे कुछ भी बदल सकता है भाई। ओ शिट प्रॉलर रॉक्सन सिखा, अबे इसे राइनो लग गए। अबे ये कैसा सूट है, एक मिनट मतलब प्रॉलर ने राइनो को हायर किया या फिर प्रॉलर को पैसे मिले हैं इस चीज के लिए। ओ शिट
माइल्स की बायो इलेक्ट्रिसिटी उस पर काम नहीं आ रही राइनो पे, ये अपने साथ बहुत गलत चीज़ होने वाला है। रॉक्सन सिक्योरिटी बोला था ना भाई, इन्होंने कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। शिट बे, साइमन क्रेगर साल है तेरी ऐसी की तैसी, तूने बोला तेरे चक्कर आना पड़ा यहाँ पे भाई। वैसे लाइटिंग अच्छी कर रखी तूने। हाँ अबे साइमन क्रेगर की ऐसी की तैसी भाई। अभी इसको बोला क्या था ना कि माइल्स को छोड़ देने के लिए, माइल्स को कैसे पकड़ लिया भाई? एक सबसे पहले ये बताओ कि राइनो का वैसा सूट बनाया किसने? मास्क नहीं निकालना, नहीं नहीं नहीं। अबे वो स्पाइडरमैन है भाई, तो उसको जनरेटर बनाएगा, शादियों में भिजवाएगा उसे? अजीब बातें मत करो यार तुम लोग। ओह नहीं 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 नहीं। अरे शिट, अरे भैया छोड़ दो ना भाई। अरे भैया, अरे लड़के के सामने मत पीटो यार, बेइज्जती होती भाई। अबे सूट की ऐसी की तैसी भैंस की आँख, आज हो जाए। ओ लग गए पूरे सूट की एनर्जी। ओ शिट, फिलहाल तुम लोग बस देखो भाई। लेकिन ऐसा ब्लास्ट कितना मजा आ गया ने, और करो सालो मजाक बायो इलेक्ट्रिसिटी से, सारे चाट गए, पूरे सूट की एनर्जी यूज हो गई यार। शिट, इसमें पता है सबसे ज्यादा माइल्स डैमेज हो जाता है, मतलब उन्होंने राइनो को पुलिस में दिया ही नहीं था, साइमन क्रेगर ने ही आके पकड़ा था ना, तो उन्होंने दिया ही नहीं था, वो बस राइनो के लिए आर्मर बना रहे थे ऐसा जो बायो इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल कर सके। फिलहाल अपन क्या कर सकते हैं, कौन है बे, आ जाओ, हम लोग ऊपर से तो जा ही सकते हैं। स्पाइडरमैन होने के फायदे, नीचे चलना चाहिए। अरे यही एक लोकेशन, ओ इनको तो लपेट ही सकते हैं, बट हाँ इनके जितने भी सूट्स हैं सब बायो इलेक्ट्रिसिटी से, इनको कुछ भी नहीं होने वाला है। सो सबसे पहले किनको लपेटा जाए, क्या लगता है? सेफ है, और शिट, अरे लग गए भाई हवे में तो पिट जाए यार भाई। लग गए अपने अपने लग गए अपने लग गए, सबको ले लिया भाई, पता नहीं कैसे मार रहे बट मार रहे, बहुत गंदा मार रहे सबको। आ जा भाई, पहले मिसाइल वाले को लपेटते हैं ना, सिंपल जो अपने को प्रॉब्लम। ओ ये कौन सी चीजें हैं? ओके तो इन लोगों के पास कुछ ऐसी चीजें भी आ चुके हैं जो अपने लिए बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर को कुछ देर के लिए बंद कर सकते हैं। लाइक अभी अपन कुछ अटैक नहीं कर सकते, बट हाँ अब तुम लोग देखो। अरे शिट यार, वेस्ट चला गया, ये नहीं जाने देंगे। नाइस डॉज ब्रो, मजा आ गया। और भी कोई है? दो पंच का है नहीं, आफत मचा रखा है। चलो यार फीन आ जाती है ना यार भाई, लेकिन फीन के साथ काम करने में मजा आ रहा है, भले उसने अभी एक भी बार हेल्प नहीं किया। आई थिंक वो आती तो ज्यादा अपना हेल्प होता, बट ठीक है यार। अभी तो टैंक है, गेट तो खुल गया, गेट तो खुल गया, आ जाओ। अरे ये सब तो आम बात है, मेरे को लगा कि इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई काम होगा, क्योंकि स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन थोड़ी रहा, वो तो इलेक्ट्रिशियन बन गया है। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कुछ भी करवा लो। और बोल दो भाई, घर में बैठ के बेचारा फोन चार्ज कर रहा होगा। राइनो से सारे मिशन ऐसे छुपने वाले क्यों होते हैं? स्पाइडरमैन से भी हम लोग इसके रहते छुपे रहते हैं। अभी तक साइमन को पता नहीं कि हम लोग निकल चुके हैं। ओ प्राउलर, देखा देखा, बोला था ना, प्राउलर कह रहा है कि तुम स्पाइडरमैन को जाने दो और मैं तुम्हें न्यू फॉर्म दे दूंगा। ये क्या बात, एक मिनट, इसके पास न्यू फॉर्म कब आया? अच्छा वो लोग भाई, प्राउलर भी अंधा है, पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ लोग अंधे थे भाई। राइनो से छुपने का बस यही एक लोकेशन है। स्पाइडी बात मान, तू प्राउलर के बारे में अभी थोड़ा गलत सोच रहा है, प्राउलर तेरे को बचाने के चक्कर में है। हाँ भले ही टिंकरर को, फीन को नहीं, फीन को तो बोला कि फीन को तुम्हारे साथ जो करना है करो, बट उसको छोड़ना पड़ेगा। चार्ज द जनरेटर ब्रो, लो भैया चार्ज हो गया जनरेटर, इसको इधर लाओ। हाँ चलो इसको उठाओ, उठाओ 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 उठाओ, हो गया ना काम अपना।
और इससे कनेक्ट, ये लो, हाँ यहाँ से चारों तरफ हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा दी है, काम हो गया है। अब इंजन को चार्ज करो भाई, इलेक्ट्रिशियन बढ़ा के रखा है यार। Easy boys. ये I thought I'd miss having a brother, but I had you. हैं? ब्रदर के बाद? नहीं, भाई यार ये लोग भाई मर्दे वाली स्थिति में साले फैमिली बना रहे हैं भाई। भाई इनसे पहले निपट लो। अच्छा खैर, स्पाइडी को निपटना है ना। इजी बॉयज। अरे शिट, those guys with the lights on their helmets can spot heat signatures. They'll see you if you try to go invisible. अगर हम लोग कैमोफ्लाज होते हैं उसके बाद भी ये पकड़ लेगा हम लोगों को। एक एक कर करके लपेटना चालू करना पड़ेगा। इधर आ जा। कोई नहीं। चुप कर। किसी ने नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, अब पता चल भी गया यार। अपन ने तो बहुत अच्छा खासे लोगों को भाई ये क्या हो रहा है, इतने सारे लोग यहाँ से कहाँ से आ गए? सिंपल सी बात है, ट्रस्ट नहीं भी करना चाहिए। ये लो, हाँ तीन बंदों के लिए इतना मुशक्कत है। स्पाइडरमैन काम हल्क वाले करते हैं, तोड़ा फोड़ी। हाँ फिर इनसे पहले आ गया, देखा? I think that's the exit. Hey. इतना आसान तो नहीं होगा जब ओ सही नहीं सर। I know this place. This is Krieger's lab. ये क्रीगर, अबे फिर से यार। ओ राइनो लग गए, छोड़ दे भाई मेरे। You like my new color? Immune to your little zappy pops. Zappy pops क्या होता है साले? तेरे को इसी से मारा था, भूल गया फर्स्ट एपिसोड में। ओ ये होती भाई बातचीत। भाई साहब क्या तो फाइट है। चल टैंक ब्लास्ट करते रहो। हाँ अच्छा समझ गया, अपने को यहाँ पे जितने और शिट निकलो यहाँ से। अपने को राइनो के ऊपर राइड करना है और जितने भी टैंक वैंक है उन पर टकरा के अपने काम करना है। ओए रुक, उस पर बैठने के लिए लेकिन बहुत कुछ चाहिए भाई, इतना आसान नहीं है। राइनो यार बिठाना है यार अपने ऊपर, ऐसे क्या कर रहा है? आओ यार जब तक इनसे, ओए सॉरी फिन उनसे लड़ रही है ना यार हम लोगों को। ओ शिट, ओए हैं क्या मतलब, क्या हमारी एनर्जी यूज़ नहीं हो सकती? इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम लोगों को मार नहीं सकते हैं। अरे बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा है, ये ले। हैं अब बोल राइनो तेरे ऊपर बैठे कैसे तू, ये बता बस, और कुछ नहीं। ओए सॉरी, किससे लड़ने चले जाते कभी कभी। हाँ चल फिर से इसमें, ये ले भैंस की आँख, और डैमेज मार करो साले को। भाग। अभी नहीं रहनो, रुक जा, अपने दोस्तों को मार, बेहतरीन से मार। यस चल, ये ले भैंस की। अरे शिट, भाई माफ कर दे भाई, थोड़ा सा राइनो। उसके सूट को हम लोगों ने काफ़ी डैमेज कर दिया है, इस बार तुम देखो, आ जाओ। यप भाई वन शॉट में बहुत ज़्यादा डैमेज है, इतना दे दो। अच्छा ये ख़त्म नहीं हो रहे क्या, आए जा रहे क्या? आ जा। यप आ जा राइनो, आ जा। टेंशन न को रे, यप आ जा। इन टैंक्स में टकरा के तेरे को मजा। यप अब तू देख, हैं क्या हो रहा है उतने देर से? भाई साहब क्या शॉट पड़ रहे हैं? अरे भैया
कॉम्बो 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 राइनो कॉम्बो। क्या हुआ भाई तेरे नए सूट को? ओ नहीं, किसे फर्क पड़ता है? ये बहुत जरूरी चीज था, कसम से मजा आया। फेक, रुक 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 रुक, ओए किसको करना था, किसको कर बैठा? रुक, अरे शिट यार, किसको मारना था, किसको क्या करना था, क्या कर बैठे? ओ शिट, ओए नहीं नहीं नहीं, अपने को चाहिए ले, फिलहाल के लिए तो ये ले राइनो, ये ले राइनो। हाँ भाई, हाँ उतने देर से क्या हो रहा है? अब ठीक है, ये ले, ओह भागो, इसके क्लोज रहते हैं, क्लोज तो नहीं रहना है बट इट्स ओके। ओए शिट, कभी कभी तो ध्यान ही नहीं देते यार, उसने दो इंजन फेंक रखे ना यार। ओ शिट, पकड़ना क्या था, पकड़ क्या लिया? ये ले भैंस की, ये ले बेटा, ये ले, तेरे को पीट तो सकते हैं एटलीस्ट, कुछ नहीं तो। हट, माना कि भाई हम डैमेज हो रहे हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि तू बच जाएगा। हैं, तेरे को ही मारने के अलग अलग तरीके हैं, ऐसी बात नहीं है। मार, चीर गया। क्या हुआ ब्रो? अब बोल क्या, उतने देर से तेरे वो दिक्कत नहीं हो रही थी है? एनर्जी, ओ माय गॉड, ये क्या है? वेट, जस्ट मेक श्योर ही डजंट डू एनीथिंग, बी राइट बैक। ओके भाई, ये एनर्जी मेरे को बहुत पसंद है, ये शुरू में देते हैं यार, इतने देर से फाइट करवा रहे हो उससे, राइनो से, फिर से राइनो। यू नो क्रीगर टोल्ड मी हाउ योर ब्रदर डाइड, शट अप। नहीं 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 नहीं, भाई गुस्सा दिला रहा है फालतू का। It was your fault. You watched him. और भाई वो अलग उधर प्रॉब्लम में फंसा हुआ है ब्लास्ट होने के चक्कर में, और ये अलग इधर गुस्सा दिला रहा है उसको। छोड़ दे राइनो, छोड़ दे, छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, लड़ना यार, बोला सिर्फ देखने के लिए। ले गई, अरे एक मिनट यार, भाई इसने तो और बचा है यार, गुस्से में पड़ने से तो अच्छा है कि छोड़ ही दो। Come near me again. I'll kill you. We're family. My family's dead. खो दिया भाई, दोस्त खो दिया भाई, इसकी कैसे गलती यार, इसको तो पता भी नहीं था कि वो फीन वहाँ पे किडनैप हो जाएगी इसके साथ, बट अब दोनों ने मिलकर साथ में एस्केप किया। नया मॉम को भी पता चल गया, बस पूरे गांव को पता चलना बाकी है कि स्पाइडरमैन माइल्स है। इसके माइल्स के मॉम को भी पता चला गया कि स्पाइडरमैन है, भले ही वो बात अलग है कि हम लोगों ने फीन को बचा लिया, और अब तो हम लोगों के साथ फीन भी नहीं है, फीन भी चले गए, बोल दिए कि भाई अगली बार दिखे तो मार देंगे, सिंपल। तो आज वाले वीडियो में भाई प्रॉब्लर ने बहुत बड़ी गलती की, मतलब गलती क्या की, उसने हम लोगों को बचाने के लिए ही किया, बट ऐसा नहीं करना था यार उसके। और राइनो ने क्या, मतलब राइनो से क्या फाइट हुई है भाई, पिछली बार से तो बहुत ज़्यादा लंबी फाइट हुई है और बहुत तगड़ी फाइट हुई है। अब तुम लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा, और अगर बस भाई मज़ा आए तो और बाकी सारी वीडियोज़ देखो, और हाँ अपना फीडबैक दे सकते हो तुम लोगों को, कौन सा तुम लोगों को फाइट सीन या फिर कोई भी सीन अगर ऐसा जो अच्छा लगा हो। मिलते हैं ब्रो अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।